बहुत ही सक्सेसफुली हमारा इवेंट ख़त्म हुआ। इट्स एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे हर स्कूल में इसलिए मनाया जाता है जिससे कि पूरे वर्ष में हमने जो किया है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो दुख रहे सुख रहे, हम पेरेंट्स के साथ रूबरू हो सकें और बांट सकें, क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथी हैं और हमें उनके सब 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 चीज़ें हमें उनके साथ शेयर करनी चाहिए। मैम जिस प्रकार सर, उसके लिए जो मास्टर माइंड हैं, ही इज़ मिस्टर प्रवीण, ये एक्टिविटी इंचार्ज हैं, और कोई भी हमारे स्कूल का इवेंट होता है तो हिडन पावर इज़ मिस्टर प्रवीण हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दर्शकों को भाव विभोर कर दिया है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम जो तैयारी करवा रहे हैं उसके अंदर हम एकेडमिक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हम एकेडमिक्स के अलावा कुछ समय बच्चों की प्रैक्टिस के लिए निकाल करके और उनको तैयार कराते हैं, जिसके अंदर मेरे अलावा पूरे के पूरे स्टाफ का योगदान रहता है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया हो, चाहे वो डांस एरिया हो। इवन एकेडमिक टीचर भी पूरे डांस टीचर बन के जो है बच्चों को, एक एक बच्चे को, एक एक ग्रुप को तैयार कराते हैं। स्क्रिप्ट लिखना, इफेक्ट्स बनाना, वो सारा काम जो है टीम वर्क के साथ जो है हम बखूबी निभाते हैं। और ये हमारा इस बार जो है ये तीसरा फंक्शन था जो हमने कंजीक्यूटिवली स्कूल को जो है तीसरा सक्सेसफुल इवेंट दिया। मैं यही कहूँगा कि रियलिटी पब्लिक स्कूल के बच्चों का टैलेंट देख कर जिस प्रकार से उन्होंने किया, मुझे लगता है कि संस्था बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का टैलेंट जो है बिहार के ला रही है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें साथ में जो पेरेंट्स हैं उनका भी मैं बधाई दूँगा कि उन्होंने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल किया। और रियलिटी स्कूल से लगता है कि इस प्रकार की संस्थाएँ अगर प्राइवेट में आगे आ रही हैं तो पब्लिक वो है बहुत ही बड़ी बात है। मैंने इसे बहुत प्रभावित हूँ कि जिस हर प्रोग्राम को जिस प्रकार से दिखाया, अगर उसको जीवन में ढाल लिया जाए अपने जीवन में, तो बच्चों को आप ही रास्ता आगे बढ़ता चला जाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए करैक्टर का होना ज़रूरी है, और हर हाथों से जो भी कुछ प्रभाव पड़ता है जीवन में उसे दूर रहना ज़्यादा जरूरी है। मैं ये सुमन जी, पूरा प्रोग्राम आपने देखा, एनुअल फंक्शन कैसा लगा, कैसा कार्यक्रम था? मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम जिसको मार्क्स अगर देने लगे तो अपन काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 100% भी कह सकते हैं। ये मान के चले हम 100% ही मार्क्स करने लगे। ये एनुअल फंक्शन हम हर साल मनाते हैं, और मैं सबसे ज़्यादा बधाई अपने स्टूडेंट्स, उसके बाद अपने टीचर्स और मैनेजमेंट, और जितने समाज के लोग हैं जो हमको पूरा सहयोग करते हैं, और उस सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप प्रोग्राम हमारा आप देख रहे हैं कि हर साल उससे बच्चे और निखार के प्रोग्राम को लेके आते हैं, ये आप सब देख रहे हैं। हमने पहले ये सारी थीम जो है हमारे यहाँ पे बच्चों से भी डिस्कस किया जाता है, और हमारे यहाँ पे जो इसका इवेंट का हमने टीचर रखा हुआ है वो भी उसका वो पूरा रहता है, और बच्चों की भी इसमें पूरी हम लोग बच्चे और टीचर सबका मिला जुला ये मिश्रण है, और उसका ये आप सब देख रहे हैं कि कैसा आगे लिया गाड़ी। और मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ, आप हमारे इस यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना कम है, पता नहीं क्यों। पेरेंट्स आप देख रहे हो, बच्चों की क्वालिफिकेशन भी आप देख रहे हो, स्पोर्ट्स भी आप देख रहे हो, हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक जा रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं पेरेंट्स जो है क्यों नाम के पीछे भाग रहे हैं। किसी भी स्कूल में एक साल का जो बजट है वो 1 लाख से 2 लाख से कम किसी बजट किसी स्कूल का नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे मात्र पूरी फीस अगर हम वो कर देते हैं, पूरी फीस भी ले लेते हैं, तो 40 से 50 हज़ार के ऊपर का बजट नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन पता ही नहीं क्यों बच्चों को, पेरेंट्स को नाम के पीछे इतना भाग रहे हैं, वो हमारी समझ से बाहर है। नहीं, हमने देखा है जिस प्रकार से आपका स्कूल, हाँ 100% रुझान बढ़ रहा है, और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। स्लो एंड स्टडी मिस द रेस, हम लेकिन हमारी जो क्वालिटी बच्चों की निखर के आ रही है, जो बच्चे हमारे 10th और 12th में जा रहे हैं, आप मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि रेवाड़ी में कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते हों, मतलब एक परसेंटेज लेवल पे।
लेकिन हम यहाँ से आपको ये करके दिखाएंगे कि हमारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन आराम से होगा, इतनी हम उनकी क्वालिफिकेशन पे हमें भरोसा है। देखिए, मैं पेरेंट्स से एक ही अपील है कि आप स्कूल, आजकल हर पेरेंट्स भी पढ़ा हुआ है, वो आए स्कूल देख के, टीचर से मिले और टीचर्स की क्वालिटी देखे, अपने बच्चों का फ्यूचर खाली नाम के पीछे ना ले जाए कि भाई ये मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है। अगर वो क्वालिटी देखेगा, स्कूल का माहौल देखेगा, ग्राउंड देखेगा, किसी स्कूल में जितना हमारे यहाँ ग्राउंड है, एक भी स्कूल में मैं दावे से कह सकता हूँ किसी स्कूल में इतना ग्राउंड नहीं है जो हमारे यहाँ पे। उसके अलावा किसी भी, हमारा पूरा स्कूल एयर कंडीशन स्कूल आप देख लीजिए, और ये नहीं है कि हमने ये एसी लगा रखी है, पूरा एयर कंडीशन स्कूल है, बच्चों को पूरी उसकी ध्यान रखा जाता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी पूरी केयर की जाती है। ये से ज़्यादा और जो सजेशन आएंगे मालूम करेंगे। पेरेंट्स व सभी प्यारे बच्चे, मैं इस प्रोग्राम को देख के मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात की है कि आप लोग प्रोग्राम से सारे के सारे ऐसे बैठ के देखा है जैसे कि आप एक बहुत अच्छी कोई मूवी या चीज़ देख रहे हो। और आप सब पेरेंट्स से हम, वैसे तो प्रिंसिपल मैम ने आपको और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्कूल में और भी बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। अभी हमारे चीफ गेस्ट के पास, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए हमने उनसे प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है। और मैं एक ही ज़रूर आपको इस प्रोग्राम पे कहूँगा, अभी सचिन मलिक साहब यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज है क्या, तो उन्होंने भी जो ये अभी दिखाया था ना कि एक बच्चा कोई गोद ले ले, तो उन्होंने इस मुहिम में अपना वो एक योगदान दिया हुआ है कि कोई भी बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा उनके पास जाए तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं, और कुछ बहुत मामूली सी पेमेंट वो पेरेंट्स से लेते भी नहीं है, और सारी पेमेंट्स वो अपने संस्था के थ्रू वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और हम भी उनका पूरा सहयोग करते हैं जितने उनकी वो फीस एक्सेप्ट करके और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम मॉडल टाउन स्कूल में कितने भी गरीब बच्चे हों, वो हमने इवन न्यूज़पेपर में भी निकाला हुआ है कि हम कोई भी गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको हम कितना भी वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो हम सब इस मॉडल टाउन स्कूल में हर बच्चे को हमारा पढ़ाने का लक्ष्य है, और हम उसकी इवन किताब, फीस और इवन ड्रेस तक हम स्कूल में, हमारा जो मैनेजमेंट है वो हम सब उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये लेकिन ये हम मॉडल टाउन स्कूल में किया हुआ है, और GLS स्कूल में सचिन मलिक ने जो वो एक संस्था बनाई हुई है उसके थ्रू वो करते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने बच्चे वो लेंगे। तो इसलिए जो ये प्रोग्राम दिखाया आज मंथन, इसमें इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ यही था कि मंथन का मतलब है कि आप हर चीज़ को मंथन कीजिए, ड्रग्स पे भी दिखाया है, चाइल्ड लेबर पे भी दिखाया है, तो वो सब आपने देखा है, और हम स्कूल में हमारी मैनेजमेंट और सारे जो भी समाज के लोग हैं पूरा इसमें सहयोग करते हैं, और हमारी ज़्यादा इसमें आप खुद पेरेंट्स इसमें वो स्कूल को विजिट करके देखिए कि स्कूल के माहौल को हमने कितना बदला है। अभी बच्चे भी हमारे जो, जैसा प्रिंसिपल मैम ने बताया है कि स्पोर्ट्स में इवन स्टेट लेवल और इंडिया में भी उनकी जो नेशनल लेवल पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप नाम पे ना जाइए, हम यहाँ पे हमारी फीस सबसे कम है आप, और उसके साथ बच्चों के हुनर आपने देख लिए, एक एक बच्चे ने जो कुछ बोला है वो कोई उनका ये नहीं है कि कोई रिकॉर्डिंग थी, उनकी बच्चों की अपनी आवाज़ है और उन्होंने अपनी एंकरिंग की है, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे बच्चों का कितना टैलेंट निखरता है वो आप खुद देख लीजिए, और डे बाय डे एवरी ईयर यहाँ पे हम लोग वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। अब मैं श्री अशोक सोमानी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और अपने बच्चों को अपना प्यार और स्नेह दें।